हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और रॉन्ग टर्न सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका फोर्थ पार्ट। इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगनिंग्स। और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। ये ओरिजिनल मूवी का प्रीक्वल है, यानी इसमें हमें उन म्यूटेंट्स की बैक स्टोरी पता चलेगी। तो वीडियो एंड तक देखना, एंड में मैं सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगा और साथ ही इस मूवी से जुड़े फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1974 में और हमें दिखाया जाता है वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम जहां बहुत सारे डिफॉर्म पेशेंट्स रहते थे। वो सब इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से डिफॉर्म थे। वहां के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को उन पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। तभी एक पेशेंट पीछे से डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को हिल लीकर ब्रदर्स के सेल तक लेकर जाता है। वो भाई थे सौ टूथ, वन आई और थ्री फिंगर। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसिज हिल्लीकर को जंगल में मिले थे, इसलिए इनका नाम हिल्लीकर ब्रदर्स रख दिया। जब मिसिज हिल्लीकर को वो मिले थे तब वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट्स बताता है, जबकि वो अभी बच्चे ही थे। वो बताता है कि एक अपने हाथ की दो उंगलियाँ चबा गया और वो था थ्री फिंगर। दूसरे ने अपनी एक आँख निकाल कर खा ली और वो था वन आई। तीसरा अपने दांतों को दीवार पर घिसता रहता था और उसने कई वर्कर्स को काट कर जख्मी भी कर दिया था, वो था सौतूत। अब आपको इन तीनों के नाम का मतलब पता चल गया होगा। डॉक्टर एन पूछती है कि वो इतना दर्द बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। तब डॉक्टर ब्रैंडन उसे बताता है कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाल ली थी वो उनके जाते ही उस पिन से सेल का लॉक खोलने लगता है, लेकिन वो उतना स्मार्ट नहीं था। वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे पिन मांगते हैं। वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है और जैसा कि आप तीन पार्ट्स में देख चुके हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा अकलमंद थ्री फिंगर था, वो उस पिन से लॉक खोल देता है। वो तीनों चुपचाप बाहर निकलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वो कंट्रोल रूम से सारे सेल्स खोल देते हैं। इसके बाद वहाँ असली पागलपन शुरू होता है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं और तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक उसका दिमाग पूरी तरह फ्राई नहीं हो जाता। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए बड़े ही यूनिक तरीके से उसे भी मार देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा 29 साल बाद 2003 में, और हमें दिखाए जाते हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट्स जो कि बर्फ का मज़ा ले रहे थे। केनिया, जैना, विंसेंट, सारा, ब्रिजिट, काइल, क्लेयर, डैनियल और लॉरेन। उन्हें स्नोमोबाइल पर अपने फ्रेंड पॉटर के कैबिन तक जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और बहुत तेज तूफान के बीच फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि उस तूफान में उनके लिए जन्नत से कम नहीं थी। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सब सच में जन्नत पहुंचने वाले हैं। वो वही सैनिटोरियम था जहां वो तीनों भाई रहते थे। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो किसी तरह का हॉस्पिटल था। वो सब वहां आग जलाकर आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन किड्स थे इसलिए उन्हें आराम से बैठना नहीं आता था। किसी सुनसान और अबेंडन जगह पर जाकर अमेरिकन किड्स का पहला रूल होता है कि उस जगह की अच्छे से तलाशी लो, क्या पता शराब या ड्रग्स मिल जाए। वो सब भी उस जगह को अच्छी तरह छानते हैं और इंचार्ज के ऑफिस में उन्हें वाइन भी मिल जाती है। साथ ही उन्हें वहाँ के पेशेंट्स की फाइल भी मिलती है जिन्हें देखकर उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। इधर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर वापस उस सैनिटोरियम में आ चुके थे। विंसेंट, जैना और कैनिया रात बिताने के लिए वहाँ बेड्स चेक करने जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ दिखाई देता है। विंसेंट चेक करने के लिए जाता है और अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैना और कैनिया दोनों डर जाते हैं, फिर भी हिम्मत करके वो विंसेंट को ढूंढने जाते हैं। विंसेंट उन्हें डरा कर उनके ऊपर एक घटिया सा प्रैंक करता है जिसकी वजह से वो दोनों उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि वन आई उनका पीछा कर रहा था। उन सबसे माफ़ी मांगने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने जाता है। उसे जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि वो अमेरिकन किड्स थे और किसी सुनसान और अबेंडन जगह पर जाकर अमेरिकन किड्स का दूसरा रूल होता है कि अगर पावर ऑन हो जाए तो अच्छी तरह पार्टी करो, और वो सब भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो पूरे हॉस्पिटल को उथल पुथल कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उन्हें देख भी रहा था। पार्टी करते करते वो ऑडिटोरियम में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक फिल्म रील पड़ी मिलती है। डैनियल उस रील को प्रोजेक्टर में डालकर प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन हिल्लीकर ब्रदर पर सबसे एक्सट्रीम टेस्ट किए जाते थे। उस फिल्म को देखकर लॉरेन उन्हें बताती है कि उसका भाई उसे हिलबिलीज के बारे में बहुत खौफनाक कहानियां सुनाता था। वो बताती है कि वो सब इनब्रेड्स थे और साथ ही लोगों को मारकर खाते थे, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो सब सोने चले जाते हैं। रात को सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर वहाँ घूमने लगता है।
उसे सामने कोई दिखाई देता है। वो उसका दोस्त पॉटर था जिसके कैबिन में उन सबको जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मरा पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सौतूत उसके सर में आयरन रॉड घुसाकर उसे मार देता है। सुबह तक भी तूफान रुका नहीं था और वो सब अंदर ही रुके हुए थे। जैना सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। उन सब का सारा सामान भी गायब था। वो सोचते हैं कि विंसेंट फिर से कोई मजाक कर रहा है और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। काइल, केनिया, जैना और क्लेयर बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक अजीब सा केज मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे औजार रखे थे। वो सब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिलते हैं जिनमें पेशेंट्स को रखा जाता था। उधर बाकी सबको वहाँ पर खून लगा मिलता है, जिसे देखकर उनकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसमेंट में वो सब बढ़ जाते हैं और जैना किचन में पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि सौतूत पॉटर के टुकड़े कर रहा था। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सौतूत को ले जाता है। जैना भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और उन सब के पास जाकर उन्हें सब बताने की कोशिश करती है। तभी सामने से पॉटर की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। केनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो जैकेट खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर पॉटर का कटा हुआ सर था। अभी वो सब संभल भी नहीं पाए थे। तभी वो तीनों भाई बालकनी से बार बार नीचे फेंक कर क्लेयर के गले में फंसा देते हैं और उसे ऊपर खींचने लगते हैं। काइल जल्दी से क्लेयर के पैर पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से सन जाता है। वो क्लेयर को नहीं बचा पाता और उसका सर धड़ से अलग होकर काइल के ऊपर गिर जाता है। वो सब जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नोमोबाइल्स चल नहीं पा रही थी। उन्होंने उनके स्पार्क प्लग्स निकाल लिए थे। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लॉरेंस स्की चैंपियन थी और वो डिसाइड करती है कि वो स्की करके मदद लेने जाएगी। वो वहां से मदद लाने के लिए निकल जाती है। बाकी सबके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था और वो तूफान में बाहर नहीं रह सकते थे। तब वो इंचार्ज के ऑफिस में खुद को लॉक करने का प्लान बनाते हैं। वो सब जल्दी से भागकर ऑफिस में घुस जाते हैं और उसे अंदर से लॉक कर लेते हैं। बचाव के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे हथियार देखे थे, इसलिए काइल, डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है। वो सब जल्दी से केज में जाकर छुप जाते हैं और थ्री फिंगर के जाने के बाद वहाँ से हथियार लेकर निकल जाते हैं। उधर वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेता है। ब्रिजेट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है। और यहाँ इस मूवी की बहुत ही बड़ी गलती पकड़ी जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया गया था कि उन भाइयों को दर्द नहीं होता, तभी वो अपने ही बॉडी पार्ट्स निकाल कर खा गए थे, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ और ही दिखाया गया। ब्रिजेट ने दो बार उसके हाथ पर ब्लेड मारा और उसने दर्द के मारे केनिया को छोड़ दिया, जबकि अगर उनको दर्द नहीं होता तो उन्हें वन आई का हाथ काट कर केनिया को छुड़ाना पड़ता और उससे वन आई को ज़रा भी फर्क ना पड़ता। इन्हीं सब गलतियों की वजह से रॉन्ग टर्न सीरीज की कवर खोदना शुरू हुई थी। इधर वो सब बेसमेंट में से भाग रहे थे और सबसे पीछे डैनियल था। सौतूत डैनियल को पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर बांध देता है। काइल और सारा ऑफिस में पहुँच कर देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं था। वो तीनों डैनियल को जिंदा काट रहे थे और उसकी चीखें उन सबको सुनाई दे रही थी। फाइनली बहुत सारी बहस के बाद वो सब उसे बचाने जाते हैं और काइल देखता है कि वो तीनों उसके मसल्स काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे थे। डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और उसे मरा देखकर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को फंसाएंगे। वो सब उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें भगा कर एक सेल में लॉक कर देते हैं। काइल उन्हें जलाकर मारने लगता है कि तभी केनिया उसे रोक देती है। जिन लोगों ने उसके फ्रेंड्स को मारकर खा लिया और जो कई सालों से मासूम लोगों को खा रहे थे, आज फाइनली जब वो मरने वाले थे तो केनिया की इंसानियत जाग जाती है। उसकी ये इंसानियत तब नहीं जागी थी जब क्लेयर मर रही थी और काइल अकेला उसे बचा रहा था, तब नहीं जागी थी जब डैनियल को जिंदा खाया जा रहा था, लेकिन उन मासूम भाइयों को देखकर उसकी इंसानियत जाग गई। वो काइल को उनका पहरा देने के लिए वहाँ छोड़ देते हैं और खुद जाकर ऑफिस में आराम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस सेल में वो लॉक थे वो वही सेल था जिसमें वो 29 साल पहले लॉक थे, और जिस पिन से उन्होंने वो लॉक तोड़ा था वो पिन अभी भी वहीं पड़ी थी। जब काइल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी कला दिखाता है और लॉक खोल देता है। सौतूत उसे पकड़ लेता है। इधर केनिया काइल को चेक करने जाती है और तभी जनरेटर बंद हो जाता है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। वो देखती है कि वहाँ काइल नहीं था और सेल के अंदर वो तीनों भी नहीं थे। वो जल्दी से वापस आकर उन सबको ये सब बता देती है। तभी कोई दरवाजे पर आ जाता है। उसका मुंह ढका हुआ था और वो सब सोचते हैं कि वो थ्री फिंगर है और सब मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। फिर वो उसका चेहरा देखने के बारे में सोचती हैं और वो देखते हैं कि वो काइल था जिसकी जीभ कटी हुई थी। अब मैं क्या ही बोलूं? इस सीन के ऊपर मैं आधा घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि आप सब भी सेम मेरी तरह ही फील कर रहे होंगे।
खैर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सब उनके कमरे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन सब का सामान भी पड़ा था। वो सब अपनी अपनी जैकेट्स पहन लेती हैं और खिड़की के सहारे वहाँ से बाहर निकलने का प्लान करती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सैनिटोरियम था इसलिए उसकी सारी खिड़कियाँ सील पड़ी थी। उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है, वो दरवाज़ा लॉक करके उसे खोलने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बर्फ जमा थी। सारा बर्फ को हटाने लगती है, तभी वहाँ वो तीनों भाई भी पहुँच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, फिर सौ तूत उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में सारा बर्फ में से एक रास्ता बना लेती है और वो सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती और सौ तूत एक ड्रिल से उसे मार देता है। बाकी तीनों वहाँ से जान बचाकर भागती हैं, लेकिन तीनों भाई उन्हीं की स्नोमोबाइल पर उनका पीछा कर रहे थे। सौतूत ब्रिजेट को पकड़ लेता है, वो उसके ऊपर चाकू से हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। एक और बार हमें पता चलता है कि स्टोरी के साथ कुछ ठीक नहीं है। ब्रिजेट वहाँ पर गिर जाती है, वन आई उसके ऊपर स्नोमोबाइल चढ़ा देता है और उसके ऊपर ही स्नोमोबाइल चलाता है, जिससे वो भी मर जाती है। इधर हमें दिखाई जाती है लोरेन, जो कि ठंड में जमकर मर चुकी थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि रोड बिल्कुल उसके सामने ही था, जो कि उसे तूफान में नहीं दिखा होगा, और वो हिम्मत हार कर वहाँ बैठ गई और मर गई। अब केनिया और सारा ही बचे थे। हम देखते हैं कि केनिया भाग रही थी और वन आई उसके पीछे पड़ा था। वो केनिया को पकड़ने ही वाला था, तभी सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है। हम देखते हैं कि ये उनका प्लान था, वो उसकी स्नोमोबाइल लेकर वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। वो दोनों इतनी ज़्यादा खुश थी कि उन्हें सामने लगी फेंस वायर नहीं दिखी, जिससे उन दोनों के सर कट गए। इसके बाद थ्री फिंगर्स वहाँ आता है और उन दोनों के सर उठाकर ले जाता है, लेकिन बॉडी वहीं पड़ी रहती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक प्रीक्वल था, लेकिन ये मूवी प्रीक्वल वाली सेंस नहीं बनाती। इसमें हमें ये तो पता चला कि उन तीनों के नाम कैसे रखे गए थे, लेकिन बाकी के लॉजिक कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस मूवी को प्रीक्वल के बजाय अगर आप रीबूट समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तीन पार्ट्स को आप वैसा ही रहने दो, उनकी स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर है तो उसको वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर इससे जोड़ने की कोशिश करोगे तो स्टोरी जुड़ तो जाएगी लेकिन कोई सेंस नहीं बनाएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अगले पार्ट में पता चल जाएगा। तो रॉन्ग टर्न ट्रिलॉजी को वैसा ही रहने दो और यहाँ से इस सीरीज़ को रीबूट समझकर देखो, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, तभी आप कुछ समझ पाओगे। बाकी के डाउट्स आपके मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, क्योंकि वो भी सेम 2003 में ही बेस्ड हैं। बाकी इस मूवी में बहुत सारे अजीब लॉजिक दिखाए गए जो कि मैंने आपको साथ के साथ ही बता दिए। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इस मूवी में चौथी बार थ्री फिंगर के एक्टर को बदला गया, यानी चार पार्ट्स में चार अलग अलग एक्टर्स ने थ्री फिंगर का रोल किया है। और जिस एक्टर ने विंसेंट का रोल किया है उसी एक्टर ने थ्री फिंगर का भी रोल किया है, हो गए ना हैरान। इस मूवी को सिर्फ 19 दिनों में ही शूट कर लिया गया था। इस मूवी को एक असली अबैंडन सैनिटोरियम में शूट किया गया है। जो हॉस्पिटल आपने देखा वो बिल्कुल असली और सुनसान है। इस मूवी में दिखाई गई ज़्यादातर स्नो असली है। मूवी में जब वो सब फिल्म देख रहे थे तो जो उस फिल्म में डॉक्टर था जो कि वन आई पर टेस्ट कर रहा था, वो थे इस मूवी के डायरेक्टर डेक्लैन ओब्रायन। और फाइल्स में जितनी भी डीफॉर्म लोगों की फ़ोटोज़ आपने देखी वो सब क्रू मेंबर्स थे। ये इस सीरीज़ की पहली मूवी है जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा, एंड में सब मर गए। ये पूरी सीरीज़ की इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें कोई तीर से मरता हुआ नहीं दिखाया गया, बल्कि इसमें तीर का यूज़ किया ही नहीं गया। ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें म्यूटेंट्स ने लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को मारा। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आप सबको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो कुछ वीडियोस चेक करो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।